Hit the subscribe button and click on the bell icon to stay updated with my channel. It is an evolutionary trait for any living being to fight for their food, for their space, and for their mate. एक नॉर्मल चीज है, नॉट ओनली इन ह्यूमन बींग्स, सब लिविंग बींग्स का ये बात है. सेम अप्लाइज टू आवर फिशेस वगैरह. ये जो टैंक में जो फाइट्स वगैरह होता है, बहुत सारा रीजंस होता है, एंड उनमें से जो मेन जो रीजंस है, दैट इज ऑल दिस फैक्टर्स, फूड, शेल्टर एंड आपका मेट. टुडेज टॉपिक आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट एग्रेशन ऑफ योर फिश. क्यों आपका मछली मार खाता है एंड क्यों ऐसा चलता है. आई हैड एल्बाइनो हेकल इन दिस टैंक जो है नहीं, बिकॉज इट वॉज अ विक्टिम ऑफ दिस एग्रेशन. आई डिडंट गेट एनी टाइम टू सेव दैट फिश. अभी क्या हुआ, आई विल बी जस्ट गिविंग यू सम क्लिपिंग्स एंड बताऊंगा फुल स्टोरी, एंड उसके साथ आप लोगों को भी समझाऊंगा कि कैसे ये चीज को ओवरकम करना है. गाइज, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टुडेज वीडियो. Hi, hello, namaskar, namaste, salam, walaikum, shushakal to everyone. Welcome to another episode of Rahul's Aquatic Vlogs. Guys, I hope you all are doing well. As I've told you, कि आज के टॉपिक में हम लोग बात कर रहे हैं एग्रेशन के बारे में. एंड फर्स्टली, ये जो एल्बाइनो हेकली था, दैट वॉज अ विक्टिम ऑफ द कम्यूनल फाइट ओवर हियर. अभी इट इज अ ड्रीम और इट इज अ टारगेट ऑफ मेनी हॉबीज टू कीप सेवरल फिशेज इन अ टैंक, बट ये जो चीज है उसको करना बहुत मुश्किल हो जाता है ड्यू टू सेवरल रीजंस, बिकॉज ऑफ स्पीशीज हो या फिर मतलब नेचर ऑफ द फिश हो. ठीक है, ये सब फैक्टर्स पहले आता है. लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ. सोचिए कि आप ऐसा एक टाइप का फिश रख रहे हैं जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है. सो एंड इफ यू कीपिंग अ लेस एग्रेसिव फिश विच माइट बी अ टारगेट for that fish, hence it might attack the weaker one. When you're making a planned community tank, तब you know what fishes to keep and कौन सा fishes आप लोगों को चाहिए. So over here, this is my planned community tank. This is a Southern American tank जहाँ पे geophagus है, Southern American fish, festivum है, जो भी Southern American fish है, and angels वगैरह सब कुछ है, they are all compatible. ठीक है, एंड बॉटम फीडर के हिसाब से मैंने कैटफिश रखा, एक अपसाइड डाउन कैट एंड एक वैलेंटीना, दो इट्स नॉट अ साउथर्न अमेरिकन फिश बट ऑल आर कंपैटिबल. ठीक है, सो क्या होता है कि व्हेन द एल्बाइनो हेकली वाज ओवर हियर, सो समवॉट इट वाज एंटरिंग द टेरिटरी ऑफ सम फिश ओवर हियर. ठीक है, अभी कौन सा फिश, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. सो जब शुरू में एक साथ बहुत सारा मछली रख रहे हो, ठीक है, दे डिवाइड देयर टेरिटरी, वो अपना टेरिटरी को डिवाइड कर लेता है. जो भी उस टेरिटरी पे आता है वो मार खा सकता है, नहीं भी खा सकता है. मार क्यों नहीं खाएगा, बिकॉज जिसका टेरिटरी है शायद उसको एक थ्रेट के तरह ना ले रहा है, शायद वो उसका सेम स्पीसीज नहीं हो रहा है. हाँ, सेम स्पीसीज में यू नो एग्रेशन होके मारपीट करना बहुत ज्यादा चांसेस रहता है. वो लोग जब देखते हैं कि मेरे तरह सेम दिखने में है या फिर मेरा ही सेम स्पीशीज है, शायद दूसरा कोई फिश हो बट उसको लगे कि वो सेम स्पीशीज का है, देन इट गेट्स वेरी एग्रेसिव. इट डजंट अलाउ इट टू कम टू इट्स यू नो टेरिटरी. क्यू? बिकॉज इन फ्यूचर दैट इज लाइक इज होम, वो उसका ही घर है, एंड दैट इज गना बी द ब्रीडिंग स्पेस ऑफ दैट फिश. बाद में जब एग्स देगा फीमेल या फिर जिसके साथ मेट करेगा, एग्स देगा, देन फ्राई होगा. फ्राई को मतलब वो लोग जो प्रोटेक्शन देगा, वहां पे कोई ना आ पाए. सो दिस इज द साइकोलॉजी दैट गोज ऑन विद द फिश एंड हेंस इट स्टार्ट बीटिंग इट अप. अभी एक टैंक में डिफरेंट फिशेस हैज डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर. इसी क्लासिफिकेशन के वजह से दे गेट डिवाइडेड. कोई कोई बुली होता है, कोई कोई शांत रहता है, कोई कोई एडजस्ट करने जानता है, सब कुछ मिला जुला के रहता है. इन नेचर जब एक मतलब हॉक या फिर एक ईगल क्या करता है, प्रे करता है एक छोटा सा बर्ड के ऊपर, या फिर जब एक ग्रुप ऑफ पंछी है, आपको समझ में आता है कि कौन सा पंछी ज्यादा हैरेस्ट हो रहा है. हाउ
यू विल सी बाय द टोन फेदर्स एटसेट्रा, वो देख के समझ में आता है कि ये हैरेस्ट हो रहा है। एंड जो सबसे बढ़िया वहां पे घूम रहा है सबको देख दाख के, मतलब सबको, मतलब यू नो अटैकिंग मोड में ऑलवेज है, दैट इज द मोस्ट डोमिनेंट वन। सेम ओवर हियर, जब कोई मछली देख रहे हो कि उसका स्केल्स गायब हो जा रहा है, अभी आप वीडियो में देखेंगे, यू जस्ट सॉ ओवर हियर टू ऑफ द कैटफिशेस आर फाइटिंग। क्या हो रहा है कि यहां पे कैटफिश का बॉडी में भी, इफ यू सी वॉच प्रॉपरली, दिस इज एग्जैक्टली गोइंग व्हाट आई वाज टेलिंग यू, यहां पे स्क्रैचेस वगैरह है। व्हाई? बिकॉज दैट फिश इज हैरेस्ड इन दिस टैंक। ये क्या कर रहा है, ये जो वैलेंटिना है, दिस वुड स्पेस इट्स इज ओन जोन, ये उसका ही जोन है। Whenever that upside down cat is trying to come into his territory, he is getting aggressive. He is not allowing. Geophagus भी जब यहाँ पे जाएगा या फिर दूसरा मछली जब यहाँ पे जा रहा है, उतना aggression नहीं है, because they are not of same species. Both of them are of catfish species. Though they are not same, मतलब दोनों fish same नहीं है, but they are of very close species. So they think, Valentina thinks कि शायद मेरा ये एरिया पे आ जा रहा है। यहाँ पे कोई फीमेल नहीं है, बट उसका जो इनबिल्ट जो बिहेवियर है कि बाद में मैं जब मेटिंग करना है यही मेरा टेरिटरी है, ये जो माइंडसेट चलता है, इसके वजह से इट्स नॉट अलाउइंग दैट अपसाइड डाउन कैट टू एंटर इट्स टेरिटरी। अभी क्या होता है व्हेन यू आर हैविंग अ स्मॉलर टैंक, तब क्या होता है, वो जो फॉर एग्जाम्पल जो अपसाइड डाउन कैट है वो भागने का जगह नहीं मिलेगा, वो वापस आके वही सेम जगह पे जाएगा। एंड हेंस क्या होता है, मार खा खा के मतलब ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि उसका शायद फ्लैश निकल गया, शायद उसको इतना मतलब जोर से एक वुंड आया कि उधर से इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया, हेंस इन्फेक्शन की वजह से लास्ट में वो मर जाएगा। यहाँ पे दिस इज अ बिग टैंक, बड़ा ही है टैंक, 5 feet into 2 feet into 2 feet। सो यहाँ पे जो इतना स्पेस है, पत्थर है यहाँ पे, वुड है यहाँ पे, सबस्ट्रेट है, सब कुछ है। सो यहाँ पे भाई मछली क्या कर सकता है, अपना टेरिटरी यहाँ पे डिवाइड कर लेता है। अगर वैलेंटिना वो जगह पे मतलब पकड़ के रह जाए तो अपसाइड डाउन क्या करेगा, कहीं और जाके उसका मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करने का ट्राई करेगा होपफुली। यहाँ पे अगर बहुत सारा कैटफिश रह गया तो टेरिटरी डिवाइड भी होगा, शायद मेट भी कर ले, बट वही जो स्पेस कम पड़ जाएगा एंड हेंस देयर विल बी ह्यूज ट्रेमेंडस फाइटिंग का चांसेस रहेगा बहुत ज़्यादा। सो दिस इज द थिंग, व्हेनेवर यू आर पुटिंग ऑब्स्टिकल्स इन योर लाइक व्हेनेवर यू आर पुटिंग थिंग्स इन योर टैंक, लाइक वुड हो या फिर प्लांट हो या फिर स्टोन्स हो, जो कुछ भी रख रहे हो, दैट इज गना बी यूज्ड बाय द फिश फॉर देयर टेरिटोरियल मार्किंग। ये मार्क कर देता है कि ये मेरा जगह है, शायद एक जियोफेगस का जगह मतलब वो पत्थर हो गया है, शायद फेस्टिवम ने वो टैंक का कॉर्नर ले लिया है, ठीक है, शायद यहाँ पे जो आपका एबालियोस जो जियोफेगस है वो शायद वुड का ये वाला पोर्शन ले लिया है, और जब वो पेयर फॉर्मेशन करेगा तब वहाँ पे किसी को आने भी नहीं देगा। शुरू शुरू में दिक्कत नहीं आता है, वंस दे स्टार्ट ग्रोइंग, वंस दे स्टार्ट मैच्योरिंग, With maturity, this aggression starts coming. Initially इतना दिक्कत नहीं रहता है। मेरे यहाँ पे मैकोलिकुडा का बेबीज का फुल एक टैंक है, भरती है शायद मोर देन 50-80 पीसेज ऑफ मैकोलिकुडा, मेरा ब्रीडिंग बैच है। अभी क्या होता है जब वो अभी छोटा है तो कोई किसी को उतना डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, आई विल नॉट से टोटली, दे स्टिल यू नो, जब खाना जब नहीं मिलता है ना, दे फाइट, दे किल ईच अदर, जो मैं बोला दो देयर बेबी स्टिल दे फाइट एंड किल ईच अदर, बट किलिंग रेट कम है क्योंकि वो अभी भी छोटा है, टैंक साइज बहुत बड़ा है, वो लोग डिवाइड कर पा रहे हैं। वियजर्स आर वेरी वेरी एग्रेसिव फिशेस, बट वंस दे ग्रो अप एंड अगर टैंक साइज सबके लिए छोटा पड़ गया, खाना कम पड़ गया, दे विल फाइट विथ ईच अदर एंड दे विल सर्वाइव ओनली, जो सर्वाइव करेगा दैट इज द फिटेस्ट, बात में ही है सर्वाइवल of the fittest. So इसी साइकोलॉजी में फिश का भी सेम चलता है, इट्स ऑल इन एन enclosed एरिया, ज़्यादा बड़ा टैंक देंगे तो चांसेस रहता है, मतलब दे कैन एडजस्ट टू इट, ज़्यादा बड़ा मछली हो तो आपको लगे कि ये एग्रेसिव होगा, ऐसा बात नहीं है, ज़्यादा छोटा मछली भी एग्रेसिव हो सकता है, सम cichlids लाइक क्यूबन cichlid हो, डोवाई cichlid हो, ये सब cichlids बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, दे माइट बी स्मॉल, शायद एक छोटा सा, इतना छोटा सा डोवाई cichlid या फिर कोई और सिगरेट आप एक टैंक पे रखे, बट उसके साथ एक बड़ा सा कुछ और मछली आप रख दिए, ऐसा हो सकता है कि वो डोवाई, छोटा वाला डोवाई सिगरेट उसको मार मार के खत्म कर दे, यू नो,
सो नेचर भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इम्पैक्ट करता है ये एग्रेशन में। अभी यहाँ पे जो एल्बाइनो हेकेली को क्या हुआ था, लेट मी जस्ट सम इट अप टू यू कि यहाँ पे आई थिंक मेरा जो अजम्पशन है द फेस्टिवल्स डिड द थिंग। ठीक है, वन थिंग आई वुड लव टू टेल यू इज दैट द फिशेज हैव अ टेंडेंसी टू फाइट और टू अटैक व्हेन समवन इज नॉट देयर। ऐसा उन लोग का टेंडेंसी रहता है, जब आप पास में नहीं रहेंगे आप देख नहीं पाएंगे, कभी दूर से छुपके से आप देख रहे हो शायद आप तब नोटिस करो कि ये मछली वो मछली को मार रहा है। आप जब सामने आ रहे हो व्हेन यू कमिंग इन फ्रंट देयर थिंक यू आर गोना गिव फिश, सो रैदर देन अटैकिंग देयर माइंड गोस कि अभी खाने का टाइम है, ही इज गोना ब्रिंग फूड, सो दे ऑल कम एंड बैश अप टू द ग्लास ओवर कि खाना आएगा खाना आएगा। सी व्हेनेवर आई एम कमिंग क्लोज मेरा हाथ आगे कर रहा हूँ दे थिंक दैट दे गोना बी गेटिंग फूड एंड दे आर गेटिंग फूड। सो इससे क्या होता है, देयर माइंड गेट्स डाइवर्टेड समवेयर। अभी कोई नहीं है, no one is there, no activity is going on, they are not getting their mind distracted, hence what will happen, they will start with their natural instincts, wo ek dusre ko maarna ya fir jo bhi uska problem ho raha hai wahan pe wo start kar dete hain। I think same happened and aisa bhi cases hota hai ki matlab you won't get time, kam time pe itna maar diya ki machli khatam ho jayega, same mere sath hua tha, must be ki festivum jo hai cichlid yahan pe ye wala, to ye dono male hai, so they have reached their breeding age and they when they are not able to mate, I feel that they get much more aggressive to mate। ek bar mating hone se kya hota hai ki thoda sa wo log aggression level control mein aa jata hai, but as they want to mate or something territorial issue, albino heckley bahut bada tha, that was the show fish of my tank over here, bahut badhiya lagta tha, but somehow कम टाइम पे ये फेस्टिवम हो या फिर कोई भी इतना मारा कि उसका हेड से ऐसा फ्लैश निकाल दिया। एंड ओवर फ्यू आवर्स में आके देख रहा था कि एल्बाइनो हेकेली टैंक के साइड में पड़ा हुआ था, एंड इमीडिएट उसको हटा के मैं ट्रीटमेंट करने गया। अब वोंड जो मैं पहले बोला, वोंड इतना खतरनाक था कि उधर से बहुत गंदा इन्फेक्शन हो गया था, वुल जैसा एक बन गया था, कॉटन इन्फेक्शन। राइटिंग द नेम ऑफ द इन्फेक्शन इन द डिस्क्रिप्शन, जस्ट डू वॉच इट। सो ये इन्फेक्शन हो गया था, मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट किया बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट सेव द फिश, बहुत गहरा इन्फेक्शन हो गया था। आई ट्राइड एज मच एज पॉसिबल बट इट कुडंट बी डन। आप लोगों को बहुत लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि क्यों मेरा मछली मर रहा है, एक दूसरे को क्यों मार रहा है। बिलीव मी दिस इज द रीजन्स, दीज आर द रीजन्स। जब एक मछली ले रहे हो ठीक है, बहुत सोच समझ के लो, क्या वो कंपैटिबल हो सकता है आपके टैंक में कि नहीं, या फिर आप कितना क्वांटिटी का मछली डालेंगे, मेल टू फीमेल रेशियो कितना डालेंगे, ये बहुत हेल्प करता है एग्रेशन कंट्रोल करने में व्हेन दे आर मैच्योर। कि कोई कोई फिश को रखा जाता है 3:1, 3 female to 1 male, क्या होता है, फीमेल्स का जितना टेंडेंसी रहता है एग्रेसिव होने का, मेल का बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने का टेंडेंसी रहता है। सो दैट इंक्रीजेज द चांसेज ऑफ द सर्वाइवल रेट ऑफ योर फिशेज इन योर टैंक, उस हिसाब से रखेंगे तो सुविधा होगा। एंड थोड़ा सा बैक स्टडी कर लीजिए ऑब्वियसली फिश लोगों का कि कौन सा फिश आप लोगों को रखना है। डिपेंडिंग अपॉन द फीडिंग हैबिट ऑफ अ फिश द टैंक इज डिवाइडेड इनटू 3 parts। ऊपर वाला पोर्शन में रहता है टॉप ड्वेलर्स, सेकेंड वाला पोर्शन मिडिल पोर्शन में रहता है आपका मिडिल ड्वेलर्स जो है जियोफेगस वगैरह, लास्ट वाला पोर्शन में रहता है दैट इज बॉटम ड्वेलर्स। So, क्या होता है एग्रेशन वाइज, एक टॉप ड्वेलर का मछली फटाक से बॉटम ड्वेलर के मछली के साथ कोई झमेला नहीं होगा, दैट इज वाई यू डोंट सी मच ऑफ देम हैविंग फाइट विद अ बॉटम ड्वेलर और मिडिल, यू नो, मिडिल ड्वेलिंग फिश। ये चीज काम करता है जनरली ओवर हियर जो केस हो रहा है कि दोनों जो वैलेंटीना कैटफिश एंड द अपसाइड डाउन कैटफिश, दे बोथ आर बेसिकली कैटफिश एंड दे बोथ आर बॉटम ड्वेलर्स। हेंस क्या होता है कि दे आर अटैकिंग बिकॉज दे थिंक दे आर ऑफ सेम स्पीशीज, that is why they are attacking each other। now I'll tell you how to combat this aggression problem, kaise aap log aggression ko control karenge tank mein। first thing I would say when you are seeing your tank is having too much communal fight, ek dusre ko maar raha hai ye kar raha hai theek hai, but aapka machli ka sab kuch theek hi hai, aap theek selection of machli bhi sahi kiye hai, then what you do is rearrange everything in your tank, be it driftwood, be it other stones, be it other decorations, जो भी है सब कुछ rearrange कर दीजिए। इससे क्या होता है, जो जो territory था वो टूट जाता है and hence they start now forming new territories। छोटा हो जाएगा, disperse हो जाएगा, they might get small small territories but it will be divided and hence aggression कम होने का chances बहुत ज़्यादा हो जाता है इससे। Always removing the alpha one which is, you know, attacking everyone is not the solution।
ट्राई टू अवॉइड दैट, ऑलवेज हटा देना एंड उसको हटा के फिर क्या करोगे, बेच दोगे या फिर कुछ और करोगे, मार दोगे रख के साइड में जो भी है, बट डोंट डू ऑल दोज थिंग्स. ट्राई टू मेक यू नो मिक्स इट अप विद द टैंक, गिव इट अ बिगर टैंक व्हेन यू आर सीइंग, एक बड़ा टैंक में आप अपग्रेड कर दीजिए, बिकॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स गेट सॉल्व व्हेन अ टैंक इज बिगर. पुट मोर हाइडिंग स्पेसेस, जितना हाइडिंग स्पेसेस दोगे उतना मतलब यू नो छुपने का जगह रहता है. एक फ्लैट में जितना लोग रह सकता है, एक नॉर्मल दो फ्लोर का एक मतलब बड़ा बड़ा दो फ्लोर है एक हाउस में, वहाँ पे कम लोग रहेगा. अब वही बड़ा बड़ा हाउस को अगर चार पांच मतलब सेक्शंस में अगर डिवाइड किया गया एंड छोटे छोटे फ्लैट्स में अगर डिवाइड कर दिया, सो लॉट ऑफ पीपल कैन स्टे इन दैट. सो सेम थिंग गोज ओवर हियर ऑल्सो, सबको एक प्राइवेसी चाहिए होता है, हेंस दिस वे इट हेल्प्स देम. अभी सोचिए कि किसी फिश में आप देखें कि एक ब्रीडिंग पेयर फॉर्म हो गया है, आपको वो देखना पड़ेगा मेल फीमेल एक साथ घूम रहा है, किसी को पास आने नहीं दे रहा, दैट मीन्स देयर शोइंग ब्रीडिंग टेंडेंसी. व्हाट यू डू, रिमूव दैट ब्रीडिंग पेयर टू सम सेपरेट टैंक, वहां पे रख के आप उसको ब्रीड करवाइए तो सही रहेगा. सो डोंट थिंक कि वो कुछ और प्रॉब्लम है, वो ब्रीडिंग का सिंबल है, सो जस्ट रिमूव इट टू अनदर टैंक. फीडिंग शुड बी डन प्रॉपरली, कम फीड होने से मछली एग्रेसिव हो जाता है. इफ समवन इज प्रोवाइडिंग वेरी लेस फूड टू लॉट ऑफ फिशेज ओवर देयर, ऑब्वियसली खाना कम पड़ेगा, भूख ऐसा चीज है एक दूसरे को मार देता है, ऑब्वियसली ह्यूमंस में हो रहा है तो मछली में काय नहीं होगा, सेम थिंग. सो फीडिंग शुड बी प्रॉपर. नाउ सोचिए कि ये कम्यूनल फाइट के बीच में कोई मछली कुछ ज्यादा इंजर्ड हो गया या फिर इंजर्ड हो गया काफी, सेपरेट आउट टू अ हॉस्पिटल टैंक, उसको ट्रीट कीजिए, ट्रीट करके उसको ठीक कीजिए, ठीक करके देन स्टार्ट रीअरेंजिंग योर टैंक एंड अगेन उस फिश को वापस डालिए. देखना कि सबको नया टेरिटरी ढूंढने का वो चांसेस होगा, वो भी नया टेरिटरी ढूंढने का, हेंस एग्रेशन का चांसेस कम हो जाएगा. दीज आर द वेज आई वुड से लाइक यू कैन कंट्रोल सिलेक्शन ऑफ फिशेस, प्लीज डू वेल. हाँ, ऐसा कुछ मछली मत रखो कि एक दूसरे को मार के खत्म कर दे. एक अरवाना के साथ अगर मैं एक जो भी एक गोल्ड फिश छोड़ दिया, बात ऐसा भी है कि गोल्ड फिश शायद वो गोल्ड फिश को ना मारे, इट माइट नॉट सी इट एज अ फूड, बट जब कभी कभी ज्यादा साइज डिफरेंस हो जाता है ना, एक बड़ा अरवाना के साथ छोटा गोल्ड फिश था वो खा लेगा, बट वेन इट्स बिग अ बिग गोल्ड फिश इफ इट कार्ड यू विल सी मेनी टैंक्स दे डोंट अटैक द अरवाना, वोंट अटैक इट. एंड बिकॉज अरवाना के नेचर में ऐसा अटैकिंग नेचर आई वुड नॉट से कि नहीं है, है इतना डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, बट दे आर वेरी काम फिश. ठीक है, भूख लगेगा तो जाके डिस्टर्ब करेगा, उसका टेरिटरी में कोई घुस रहा है. एक कम्युनिटी अरवाना टैंक में क्या होता है कि मतलब दे फाइट. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ, जब आप देखेंगे तीन चार मछली एक साथ है, दे आर फाइटिंग, व्हाट यू डू, यू आर रिमूविंग दोज फिशेस और यू आर रीअरेंजिंग, कभी कभी ये सोल्यूशन नहीं होता है. समटाइम्स द सोल्यूशन इज एडिंग मोर फिशेस लाइक दैट टू दैट टैंक, लाइक बार्ब्स. बार्ब ऐसा एक मछली है, व्हेन दे आर स्मॉल, ओके अब तीन चार पीस एक साथ रखे, दे विल स्टार्ट फिन निपिंग इच अदर. Arowanas, they'll start, you know, beating up their fins, एक दूसरे का फिन फटा देता है, ये कर देता है. So this creates a problem. इसका solution क्या है? Add more barbs, add more arowanas. So when barbs एक साथ एक group में जब जा रहा है ना, उसका psychology सब change हो जाता है. And they start मतलब shoaling together and वो aggression का tendency चला जाता है. Same with arowana, जब एक group में arowana डाले और तीन कोई दो या तीन arowana रख रहा है, उसमें फाइटिंग होने का चांस बहुत ज़्यादा है. एंड जब वहाँ पे आप 8-9 अरवाना या फिर 5-6, 8-9-10 अरवाना रख रहे हो, दे गेट यू नो लाइक लेस एग्रेसिव, तब डिस्पर्स हो जाता है, जो एग्रेशन होता है वो डिस्पर्स हो जाता है, हेंस देयर इज वेरी लेस चांसेस. ऑब्वियसली टैंक साइज भी आप बड़ा कर देंगे एंड और जो जो फैक्टर्स उसके साथ आ जाता है, दिस विल टोटली डिस्पर्स ऑफ aggression. So guys, आज के लिए इतना ही है. Hope you have enjoyed this episode. And if you have any experience of fish aggression आपके साथ हुआ है, please write it down in the comment section down below and let me know कि ये video आप लोगों को help किया है कि नहीं. And if I miss out some points, do write it down and tell me कि क्या point मैंने miss किया है. I would love to read that. Guys, if you have enjoyed this video, then surely smash the like button and share this video with your friends and family. Guys, take care. Bye-bye. See you. Meet you in my next episode. Bye-bye.